गुड इवनिंग एवरीवन, शिवानी शर्मा योर इंग्लिश टीचर वंस अगेन विद यू, यस विद अ न्यू वीडियो। अभी तो आज मेरे को 4-5 दिन लग गए ये सब अपना सेटअप करने में। सेटअप तो था बट आई वॉज नॉट फाइंडिंग एनी वन हु कैन रियली हेल्प मी टू मेक माई वीडियोज। वैसे अभी तक जो बनाई है एक मेरी फ्रेंड आती है हमेशा, लेकिन अब हमेशा उसके लिए भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब मुझे तो वीडियो मेरा तो मन करता है मैं रोज़ ही बना दूँ वीडियो। ठीक है, तो मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया कि इसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, इफ़ यू रियली वांट टू कंटिन्यू ऑन यूट्यूब, इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प स्टूडेंट्स चिल्ड्रन और हुएवर वांट्स टू इम्प्रूव हिज और हर इंग्लिश, तो उसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा और उसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ सॉल्व एंड सॉल्यूशन। अभी भी देखना ना, पीछे से आवाजें आती रहती हैं, लेकिन मुझे सेटअप तो यही अच्छा लगता है। मुझे मेरा मन नहीं करता कि मैं बंद कमरे में वीडियो बनाऊं। ठीक है, सॉल्यूशन मैंने क्या निकाला कि एक ये मैंने ट्राईपॉड खरीदा। सो यस्टरडे आई बॉट दिस ट्राईपॉड, सो आई एम यूजिंग पास्ट इंडेफिनिट हियर कि कल मैंने एक ट्राईपॉड खरीदा, यस्टरडे आई बॉट अ ट्राईपॉड एंड नाउ द प्रॉब्लम वॉज हाउ टू यूज इट। आई डिड नॉट नो दैट, मुझे इसका नहीं पता था डिड का यूज कहाँ होता है पास्ट इंडेफिनिट में, डिड के साथ फॉर्म कौन सी लगती है फर्स्ट, डू और डज का किस में यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, राइट। तो मैंने एक खरीदा और कुछ लोगों ने मुझे वैसे एडवाइज ये भी किया था, एडवाइस किया था या एडवाइस दी थी, अब अरे एडवाइस दी थी या एडवाइस किया था, हम कुछ भी बोल सकते हैं। If we want to use it as a noun, we need to say she gave me a piece of advice. उसने मुझे, my friend gave me a piece of advice, कि मुझे advice दी। अगर उसे नहीं, उसने she advised me to buy a tripod, right? तो there is a, आपको advice बोलना है या advice बोलना है, हमें ये pronunciation ठीक रखनी है, हमें ये words जो प्रोनाउंस है वो ठीक करने हैं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक होनी चाहिए, राइट। सो हम जो भी बोलते हैं, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश हो, वी हैव टू स्पीक इट करेक्टली, सो वी हैव टू प्रोनाउंस इट, प्रोनाउंसिएशन शुड बी राइट, राइट। एडवाइज्ड मी, गेव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, वी हैव टू सॉल्व इट, देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन, एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन। कोई भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है। ठीक है, एक बार फिर से दिखा दूं आपको मेरा बैक टू बेसिक्स क्लासरूम। आई रियली लाइक दिस सेटअप, मुझे लगता है कि मेरा तो मन करता है हर बच्चे को थोड़े से ऐसे इसी तरह के थोड़े नेचुरल एटमॉस्फेयर में पढ़ना चाहिए, है ना, थोड़ी सी फ्रेशनेस, थोड़ा आई मीन वन फील्स फ्रेश। ठीक है, तो आज हमने 2-3 और वर्ड्स कर लिए, द वर्ड्स विच आर ऑफन मिसप्रोनाउंस्ड, ऑफन मीन्स होता है अक्सर, जो कई बार हम जाने अनजाने में उसको हम गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन हम गलत बोल देते हैं। ठीक है, सो देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स, एंड फॉर माई न्यू वीडियोज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, एंड चैनल इज माइंडफुल इंग्लिश विद शिवानी शर्मा, राइट। वाई द नेम इज माइंडफुल इंग्लिश, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन वन मोर वीडियो, वाई वी नीड टू बी माइंडफुल इन वॉट एवर वी डू, एंड वाई द नेम ऑफ माई चैनल इज माइंडफुल इंग्लिश। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, हैव स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।